गुरुग्राम बार एसोसिएशन के चुनाव 5 अप्रैल को होने हैं और इस चुनाव में कई वकील अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में बाजी कौन मारेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन गुरुग्राम कोर्ट के वकीलों का क्या कहना है इस चुनाव को लेकर आप भी सुनिए। आपका नाम? एडवोकेट रिपुसूरा। मैम देखिए, इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन को लेकर? इलेक्शंस के माहौल को लेके बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी माहौल है, बड़ा अच्छा चहल पहल वाला माहौल बना हुआ है हमारी कोर्ट में। आजकल सारे कैंडिडेट्स अपनी पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरी डेडिकेशन से लगे हुए हैं। ऐसा कौन सा कैंडिडेट चुनना चाहेंगे आप? जो लेडीज के लिए फेवरेबल हो, डिसिप्लिन्ड हो, जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो। अभी तक क्या सच मैंने अपनी चॉइस नहीं की है। लेडीज के मुद्दे तो ऐसे क्या क्या मुद्दे हैं? बेसिकली लेडीज के लिए बहुत बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो हमें अभी तक प्रोवाइड नहीं की जा रही, लाइक बार, लेडीज बार रूम में बिल्कुल कोई भी फैसिलिटीज नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है कोर्ट में, कोर्ट प्रमाइसिस में लेडीज को इतनी दूर दूर वॉशरूम्स जाना पड़ता है, और नीटनेस नहीं है। बहुत स्पेशली मुझे जो फील होता है कि हर लेडीज वॉशरूम के बाहर एक गार्ड होनी चाहिए प्रॉपर, जो एडवोकेट्स के यूज के लिए हों, नोबडी एल्स वहां पे जाके उनको यूज ना करे, और लेडीज की हर जगह हर उसमें एक इलेक्शंस में एक पोस्ट जरूर फिक्स होनी चाहिए। जो भी प्रेसिडेंट आए, जो भी एक हमारे बार ऑफिस का एक अब ऑफिस बेयरर्स चुने जाए, माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू दोज कि आप एक लेडीज की पोस्ट जरूर फिक्स करें, बिकॉज मेजॉरिटी है लेडीज की एंड दैट हैज टू बी प्रूव्ड एट एनी कॉस्ट। सर नमस्कार। सर आपका शुभ नाम? चंद्रकांत शर्मा। तो सर जैसे चुनावों का दौर है तो हमें भी जैसे सुनने में चला आप कोई चुनाव लड़ रहे हैं सर यहाँ पर? हाँ, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव जो एनुअल एक इवेंट है, मैं इस बार लड़ रहा हूँ। 2013 में भी मैं लड़ा था। सबसे पहले तो आपको सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप चुनाव लड़ रहे हैं। सर आपकी क्या सोच है, आपकी सोच है क्या बार के वकील लोग हित के करना चाहते हैं जो आप चुनाव में आए सर? आप देखियो, आजकल जो नए जो लॉयर्स हैं बहुत ज्यादा आ रहे हैं कराड़ में। गुड़गांव में कई लॉ इंस्टीट्यूट आ गए हैं, लॉ ऑफिस कोर्स, लॉ कॉलेजेस आ गए हैं, जिसकी वजह से नए लॉयर्स बहुत आ रहे हैं, और उनके चलते चलते लॉयर्स की डिमांड भी बढ़ रही है। उनमें से जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है उनकी सिटिंग कैपेसिटी, सिटिंग प्रॉब्लम चैम्बर्स वगैरह की, कोटा केबिन वगैरह की। तो पिछली जो हमारी बार थी, जो मैनेजमेंट थी, उसने भी काफ़ी हद तक, उनके प्रधान अजय चौधरी जी ने काफ़ी हद तक उनकी उनका जरूरतों का ख्याल रखते हुए कुछ अलॉटमेंट करी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से रह गए हैं लॉयर जिनको चैम्बर्स या सिटिंग नहीं मिली है। तो मेरा ये रहेगा कि उनको कम से कम सिटिंग अरेंजमेंट के लिए जरूर करें। सर बहुत खूब। सर आपने चैम्बर के बारे में सोचा। सर महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहेगा इलेक्शंस में। महिलाओं के लिए ऐसा है कि महिलाओं के लिए एक सेपरेट बार रूम की हमने प्रपोजल रखी थी, जो अजय चौधरी जी ने मान भी ली थी। उनके लिए एक तो ये है, एक उनके लिए नीट एनवायरमेंट जो वॉशरूम वगैरह हैं, और एक उनके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्रैच के लिए है। जैसे अब आते हैं उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो घर में उनके हस्बैंड भी वर्किंग है, वो भी वर्किंग है, यहाँ पर आए तो बच्चों की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए एक अच्छा बढ़िया साफ सुथरा क्रैच की हम ये इस बार सोच रहे हैं कि करेंगे। तो सर आप यहाँ जो चुनाव की व्यवस्था की गई है वो किस तरीके से की गई है, आप संतुष्ट रहते हैं सारे प्रतिभागी जो भी है? नहीं, यहाँ पर एक बाकायदा एक इलेक्शन कमेटी बनाई गई है, और इलेक्शन कमेटी जो है बाहर नहीं, अपने सब लोगों ने बनाई है, सब कैंडिडेट से मिलकर के बनाई है, तो अच्छा रहेगा। पिछली बार भी बहुत अच्छा रहा था, इस बार भी बहुत अच्छा रहेगा, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं। आपको चुनाव की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू।